दोस्तों स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल द रियल एस्टडी क्लब में। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप सभी को बताया था जितने भी सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं अपने इंटरनल असेसमेंट का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बट जब बच्चे रिजल्ट चेक करने जा रहे थे तो वहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा था। बट अब दोस्तों आप लोग अपना रिजल्ट चेक करोगे, आपको वहाँ पर अपने मार्क्स दिख जाएंगे जितने भी बच्चे हैं सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के, जिनका एडमिशन दोस्तों 2022 का है और 2023 इसका है। सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है। तो आपको एक बार मैं बता देता हूँ कि किस तरह से रिजल्ट चेक करना है और आप लोग पास हो या फेल हो, कितने मार्क्स आपको चाहिए एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। तो पहले रिजल्ट बता देता हूँ किस तरह से आपको अपना रिजल्ट चेक करना है, मार्क्स अपने चेक कर सकते हो। उससे पहले आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, जब तक ऐसे में रहोगे हर एक अपडेट आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो जितने बच्चे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, एग्जाम में भी पूरी हेल्प आप सबकी की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, ये कर लोगे तो आराम से आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, कोई दिक्कत या डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, मैसेज कर देना, आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट किस तरह से आपको अपना चेक करना है इंटरनल असेसमेंट का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन को दे दूंगा, डायरेक्ट क्लिक करोगे यहीं पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको अपना एसओएल रोल नंबर और अपना एग्ज़ाम रोल नंबर, जो आपका अभी एडमिट कार्ड आया था, एडमिट कार्ड के ऊपर एग्ज़ाम रोल नंबर लिखा होगा, फ़ोटो के ऊपर एग्ज़ाम रोल नंबर लिखा होगा, ठीक है, और ये आपका एसओएल रोल नंबर। तो ये चीज़ें डालने के बाद में आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका रिजल्ट शो के आ जाएगा, आपको कितने मार्क्स दिए गए हैं एक सब्जेक्ट में। तो मैं आपको रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद आपको इस तरह का रिजल्ट शो के आ जाएगा। ऊपर आपका नाम लिखा होगा, आपका एसओएल रोल नंबर लिखा होगा, नीचे यहाँ पे ये कोर्स लिखा है बीए प्रोग्राम, और यहाँ पे ये आपके सब्जेक्ट दिख जाएंगे, ठीक है। ये आप लोग सब्जेक्ट देख लेना, दो दो बार लिखे हुए हैं, अगर दो दो बार आपने अटैम्प्ट किया है असाइनमेंट तो दो बार यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। तो आपके सात सब्जेक्ट हैं, सातों सब्जेक्ट के इंटरनल असेसमेंट के नंबर इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि दोस्तों कि आपको कितने नंबर पासिंग के लिए चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, इस बच्चे को 70 में से 30 मार्क्स मिले हैं, 70 में से 30 मार्क्स मिले हैं, तो ये बच्चा पास है, क्योंकि 40% मार्क्स हमें पासिंग के लिए चाहिए। 70 में से 40% बन रहे हैं 28 नंबर, तो 28 नंबर मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए, तभी आप लोग इंटरनल असेसमेंट में पास माने जाओगे। 70 में से 28 नंबर और 20 में से 10 नंबर आए तो 50% हो गए मार्क्स, तो आराम से पास हो गया ये बच्चा। तो आप लोग भी इस तरह से चेक कर सकते हो, 70 में से 28 नंबर हैं, 28 से ऊपर हैं तो आप लोग पास हो। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, 40% नंबर आपको चाहिए चाहिए पासिंग के लिए। अब दोस्तों आपको लगता है कि मेरे सारे मार्क्स सही हैं, तो आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना है कि कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे रिजल्ट में, ठीक है, इस असाइनमेंट वाले रिजल्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर टिक करना, फिर सबमिट कर देना। और अगर आपको लगता है कि मेरे को मार्क्स कम मिले हैं या इन्होंने मार्क्स किसी तरह से दे दिए हैं, तो आप लोग दोस्तों दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना, ठीक है। तो दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना, और फिर आप लोग जो भी स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना, जो आपको दिक्कत हो रही थी, ठीक है, और मार्क्स आपको जो कम दिए गए हैं तो वो स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना और लिख देना जो भी आपको दिक्कत हुई है कि मेरे को इस असाइनमेंट में दिक्कत हुई थी तो इसलिए मेरे मार्क्स कम हैं या ठीक नहीं दिए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख देना, ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर अपलोड कर देना। तो फिर आप लोग सबमिट पे कर देना और ये 20 तारीख से पहले पहले काम कर लेना, ठीक है। 20 तारीख तक जितने भी बच्चे हैं जिनके भी रिजल्ट में दिक्कत है, 20 तारीख से पहले पहले आप लोग ये काम जरूर कर लेना। कोई दिक्कत डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, फॉलो कर लेना, ठीक है। तो यही एक वीडियो थी आप सभी के लिए, अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए।